सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या की स्थापना विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र विवस्वत मनु द्वारा की गई थी। पर विवस्वत मनु कौन थे और क्यों उन्होंने अयोध्या नगरी की स्थापना की, ये बात हम में से कुछ ही लोगों को पता होगी। तो चलिए जानते हैं कि विवस्वत मनु कौन थे और क्यों उन्होंने अयोध्या की स्थापना की थी। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र मरीचि तथा मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया था, जिनमें से एक का नाम अदिति था। अदिति के 12 पुत्र आदित्यो के नाम से प्रसिद्ध हुए, इन्हीं को देवता कहा जाता है। अदिति के 12 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम सूर्य था, इन्हें विवस्वान भी कहते हैं। सूर्य देव का पहला विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से तथा दूसरा विवाह छाया से हुआ। विवाह के बाद संज्ञा से 6 एवं छाया से 4 संतानें हुई। संज्ञा ने श्राद्ध देव और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नदी नामक एक पुत्री को जन्म दिया। इन्हीं श्राद्ध देव को विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र विवस्वत मनु कहा जाता है। संज्ञा के पुत्रों में से एक का नाम विवस्वत मनु तथा छाया के पुत्रों में से एक का नाम सावर्णी मनु है। संज्ञा के पुत्र विवस्वत मनु वर्तमान अर्थात 7वें मन्वंतर के अधिपति हैं तथा छाया के पुत्र सावर्णी मनु 8वें मन्वंतर के अधिपति होंगे। विवस्वत मनु का जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व में बताया जाता है। ये ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की संतान थे। इसके बाद विवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें इल इश्वाकु, कुशनाम अरिष्ट धरिष्ट, नरसिंह कुरुष, महाबली श्रयाति और प्रिषद थे। इनमें इश्वाकु कुल का ही सबसे ज्यादा विस्तार हुआ और इश्वाकु कुल में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। पुराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर निर्माण की बात कही, तो वे उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। भगवान विष्णु ने इस नगर को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेजा। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि ऋषि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है।